मंडे गुड क्लास का टाइमिंग पहले भी यही था। क्लास का टाइमिंग पहले भी यही था। इंपॉर्टेंस पे चेंज नहीं हुआ था, इस वजह से क्लास का टाइमिंग हमेशा से यही था, 9:35 से। लगभग यही था, 9:35 से ही था। चलो स्टार्ट करें। पहले बताओ लास्ट क्लास में कहां तक हो गया था डिस्कशन? बताओ लास्ट क्लास में डिस्कशन कहां तक हो गया था? थर्टी वन तक। आप बताओ उसके आगे कौन सा डाउट बताना है? 31 से 45 तक में नीट वाले सभी अपने अपने एक बार डाउट बताओ। थर्टी वन से 45 में एक और बार सभी अपने डाउट बता दो। 33 बताना है और 33 के अलावा 32, 34, 35। थर्टी सिक्स, 37, 39।
41, 44। चलो यही क्वेश्चन बताना है, ओल्टी भी बताना है। देखो तो सारे ही हो गए 32 से। चलो करें स्टार्ट। चलो क्वेश्चन नंबर 32 में क्या गिवन है? वेक्टर ए इक्वल टू गिवन है 2i कैप, 2i कैप प्लस pj कैप प्लस qk कैप, यही गिवन है। और वेक्टर बी क्या गिवन है? 5i कैप प्लस 7j कैप प्लस 3k कैप। बोलो क्लियर। अब हमें गिवन है वेक्टर ए इज पैरेलल टू वेक्टर बी, ये वाला साइन किसका होता है? पैरेलल का। वेक्टर ए इज पैरेलल टू वेक्टर बी, देन द वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू, पी एंड क्यू क्या होंगे? क्लियर है? मैंने तुम्हें ये बात बताई थी, यदि दो वेक्टर पैरेलल होते हैं तो ए वन अपॉन ए टू इज इक्वल टू क्या आता है? बी वन अपॉन बी टू इज इक्वल टू क्या आता है? सी वन अपॉन सी टू। बोलो क्लियर। ए वन अपॉन ए टू इज इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू इज इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू। बोलो क्लियर है। तो ए वन कितना है? 2। बी वन कितना है? ए टू कितना है? 5। तो 2/5 इज इक्वल टू पी अपॉन 7 इज इक्वल टू क्यू अपॉन 3। बोलो क्लियर। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2/5 इज इक्वल टू पी अपॉन 7। तो यहाँ से पी कितना आ गया? 14/5। पी कितना आ गया? 14/5। और ऐसे ही क्या, यहाँ से 2/5 इज इक्वल टू q/3। तो q कितना आ गया? क्या q आ गया? 6/5। बोलो क्लियर है, बताओ क्या ये सभी को क्लियर? तो P का वैल्यू हो गया 14/5 और Q का वैल्यू 16/5। ये तो मैंने क्लास में दिया था ना, जब भी दो वेक्टर पैरेलल होते हैं उसका कंडीशन लिखाया था। ठीक है, चलो नोट करो। पढ़ लिया? क्वेश्चन नंबर 33। और थोड़ा जल्दी पढ़ाऊंगा स्पीड में। हाँ नोट करते रहो, थोड़ा सा स्पीड बढ़ा रहा हूँ आज। क्या गिवन है? रेडियस गिवन है 5.4 प्लस माइनस 0.2। बोलो क्लियर। क्या तुम यहाँ पर डेल्टा आर बाई आर लिख सकते हो? बोलो, क्या डेल्टा आर बाई आर आएगा 0.2/5.4 यानी कितना? 1/27। बोलो क्लियर है। डेल्टा आर बाई आर क्या आएगा? 1/27। और क्या तुमने फॉर्मूला पढ़ा है? डेल्टा वी अपॉन वी इज इक्वल टू 3 डेल्टा आर बाई आर रहता है। बोलो क्या ये फॉर्मूला सीखा है सभी ने? परसेंटेज एरर में डेल्टा वी अपॉन वी इज इक्वल टू 3 डेल्टा आर बाई आर। परसेंटेज एरर इन बी इज इक्वल टू 3 टाइम्स परसेंटेज एरर इन आर। परसेंटेज एरर इन बी कितना आया? 3 टाइम्स परसेंटेज एरर यानी 1/27 इनटू 100। क्या ये आंसर आ गया? अप्रोक्स 11%। बोलो क्लियर है सभी को? चलो अब नोट कर लो सभी, अभी नोट करो। नोट करो तुम्हें।
हो गया। अब आगे बढ़े, 32 तक हो गया, 33 हो गया, 34 देखो, 34 तो सभी से होना चाहिए था, बोलो, 34 तो सभी से होना चाहिए था। Which relation obtained interdimensionally? Which relation cannot be obtained interdimensionally? तो देखो क्या क्या गिवन है। पहला गिवन है प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, बोलो सही है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया निकाल सकते हो। वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ इनटू एरिया, हो सकता है, होता है। थर्मल एनर्जी, मोमेंटम अपॉन एरिया स्क्वायर, मोमेंटम अपॉन एरिया, मोमेंटम होता है एमबी, तो एम स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन एरिया डी स्क्वायर। क्या इससे कभी भी एनर्जी आ पाएगा? एम टू एल टू टी माइनस टू अपॉन एल टू, क्या ये तो कभी भी एनर्जी का सिंबल नहीं होता है, बोलो क्लियर है। तो थर्मल एनर्जी कभी भी इस फॉर्मूले से नहीं आ सकती, इसलिए ये ऑप्शन क्या हो गया, गलत। इसका आंसर क्या है? सी। इसका आंसर क्या है? सी। 34 का आंसर सभी सी कर लेना, बी गलत है, हाँ उसमें गलत दिया है, मैं पहले ही कह रहा हूँ सी कर लो सभी, अभी सी कर लो उसका आंसर। लिया सभी ने 34, क्वेश्चन नंबर 34 में के हो गया। क्वेश्चन नंबर 35, 35 का आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 35 मैं कल ही बता चुका था उसका आंसर है ए। उसका आंसर क्या है? ए। क्लियर है सभी को? चलो अब देखो क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन 36, ई जे स्क्वायर अपॉन एम की पावर 5 जी स्क्वायर, इससे किस फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करोगे? एनर्जी, मास, मोमेंटम एंड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। एनर्जी का डायमेंशन क्या एम वन एल टू टी माइनस टू होता है, बोलो। एनर्जी का डायमेंशन क्या होता है? एम वन एल टू टी माइनस टू। मोमेंटम, क्या मोमेंटम होता है एम इंटू बी, एम वन एल वन टी माइनस वन की पावर टू अपॉन एम की पावर फाइव, और जी, क्या जी होता है ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट, एम माइनस वन एल थ्री टी माइनस टू का होल स्क्वायर। तो यहाँ से देखना क्या आ रहा है, एम की पावर 3 आ रहा है ऊपर, एल की पावर आ रहा है 4, टाइम की पावर आ रहा है माइनस 4 अपॉन यहाँ पर एम की पावर आ रहा है 3,
एल की पावर आ रहा है 6 और टी की पावर आ रहा है -4, ये कैंसिल आउट, ये भी कैंसिल आउट। बोलो क्लियर? को ये एंगुलर मोमेंटम है, यहाँ पे 2 आएगा और ये आ गया 6, ये भी कैंसिल आउट, तो ये आ रहा है m0 l0 t0। ये क्या आ रहा है? m0 l0 t0। लेंथ में l1 होता है, मास में m1, टाइम में t1, तो तीनों में से कोई भी आंसर नहीं है। तो सही आंसर कौन सा बचा? सी, एंगल। एंगल का कोई भी डायमेंशन नहीं होता है। बोलो क्लियर है? करेक्ट आंसर कौन सा हुआ 36 का? सी। हाँ 37 बता रहा हूं। करेक्ट हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर 37। किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर इंटू सेकंड की पावर -3। किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर इंटू सेकंड की पावर -3 इंटू एम्पियर की पावर -2, ये किस फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट को रिप्रेजेंट करता है? क्या इससे डायमेंशन बना सकते हो? केजी की जगह क्या आएगा? एम1। एल मीटर की जगह एल2, सेकेंड की जगह t-3 और ए की जगह a-2। अब बताओ ये किसका यू डायमेंशनल फॉर्मूला है? कनीजा दोबारा ज्वाइन करो, कनीजा दोबारा ज्वाइन करो, बताओ ये किसका डायमेंशनल फॉर्मूला है? मैंने लिखाया हुआ है m1 l2 t-3 a-2। नोट्स देखो एक बार, मैंने ये डायमेंशनल फॉर्मूला लिखाया हुआ है। करेक्ट हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 हो गया। नंबर 38। नंबर 38। चलो क्वेश्चन 38 ध्यान से देखना क्या गिवन है। वेक्टर ए इज इक्वल टू 3i कैप प्लस j कैप -2k कैप, यही है। और वेक्टर बी कितना है? i कैप प्लस लैम्डा j कैप -3k कैप। ये बोथ वेक्टर आर परपेंडिकुलर। यदि दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर है तो क्या मैंने तुम्हें बताया था इफ वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी, तो क्या मैंने ये बताया था a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल टू 0? बोलो, नोट्स में लास्ट में देखो ये लिखा है। यदि दोनों वेक्टर क्या है? परपेंडिकुलर। a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल टू क्या होगा? 0। क्लियर है? a1 a2 3 × 1, तो यहाँ पर आएगा 3 × 1। b1 b2 1 × λ प्लस c1 कितना? -2। c2 कितना? -3 इज इक्वल टू 0। 3 प्लस लैम्डा प्लस 6 इज इक्वल टू 0, तो लैम्डा आ गया -9। बोलो क्लियर? लैम्डा कितना आ गया? -9। बात समझ आ गई सभी को? आंसर है? बोलो। नोट करो।
कर लिया। बोलो नोट कर लिया। अब ध्यान से देखना क्वेश्चन नंबर 39। ये क्वेश्चन तुम लोगों से नहीं हुआ होगा, मुझे कंफर्म है, इसे तुम टच नहीं किया होगा तुम लोगों ने, ये नहीं पढ़ाया था मैंने, ठीक है। एक मिनट रुको, मैं 39 लास्ट में बताऊंगा, पहले 40 देखो। 39 मैं बता रहा हूँ लास्ट में बताऊंगा, पहले 40 देखो। क्वेश्चन नंबर 40 प्रगति सिद्धांत, टाइमिंग 9:35 हो गया है, याद रखना कल से, जो लोग अभी तक ज्वाइन हो रहे हैं कल से याद रखना टाइमिंग 9:35 है, ठीक है। क्लियर है सभी को? 9:35 मतलब 9:40 मैक्सिमम। ठीक है, अभी कल से याद रखना 9:35 मतलब, हाँ क्योंकि टाइमिंग चेंज इसीलिए नॉर्मली हुआ है, क्योंकि हम 15 मिनट का गैप में घर पे कुछ नहीं करते हैं, ये 15 मिनट का गैप जब हम एकेडमी में होते हैं ना तब वैलिड रहता है। और बात यही है, जब 15 मिनट का गैप हम एकेडमी में देते हैं ना तो टीचर क्लास चेंज करते हैं, 2-3 मिनट आगे पीछे क्लास हो सकती है, उसलिए हम 15 मिनट का ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास में गैप रखते हैं। लेकिन अभी तो ऑनलाइन चल रहा है, अभी तो ऑनलाइन चल रहा है, तो वहां पर हमें चेंज करने की जरूरत नहीं होता, ठीक है। इसीलिए कि तुम लोग एक टाइम में ही ज्यादा यूज कर पाओ, 15 मिनट वैसे भी वेस्ट होती है इसीलिए, ठीक है। हाँ तो बीच में रेस्ट भी तो करना है ना सभी को, बोलो बीच में रेस्ट भी तो करना होता है, दिन भर थोड़ी पढ़ सकते हो, रेस्ट करना भी तो जरूरी है। देखो तो सिंपल है, यदि तुम्हारी बायो की क्लास मैथ वाले हैं उनका 3:30 तक, बायो वालों का 9:35 से 5, ऐसा थोड़ी 5 बजे तक सभी का है। मैथ वालों का मॉर्निंग में हो जा रहा है मैथ का क्लास, और बायो वालों का इवनिंग में हो रहा है, सिंपल है ना। ऐसा थोड़ी कि 8 से 5 है, नहीं, टाइम देखोगे तो वही तो बन रहा है सभी का, या तो 9:35 से तुम्हारा 5 बजे तक है, 7 7 7:30, और जिनका मॉर्निंग में उनका 8 to 3:30 है उनका भी 7:30 हो रहा है, उसमें से हाफ एन आवर का तो गैप ही है, हाफ एन आवर अप्रोक्सीमेटली 1 आवर का ही गैप है सब मिला के तो, और 12:40 से 3:30 तक तुम्हारा लीव है ही, क्या परेशानी है उसमें, सही तो टाइम है। बोलो 12:10 से 2:30 तक लंच ही टाइम है तुम्हारे पास, तुम रेस्ट कर सकते हो, जिसको पढ़ना है वो पढ़ सकते हो। अब सही हुआ है ना, ताकि तुम्हें जो देखो रियल होता है कि जब हम लगातार कंटिन्यूअसली पढ़ते हैं ना तो माइंड को रेस्ट चाहिए, लगातार जब हम कंटिन्यूअसली पढ़ते हैं तो माइंड को भी रेस्ट चाहिए। जिनका 3 क्लास स्टार्टिंग में हो गया उनको रेस्ट मिल जाएगा, जिनका 2 हुआ है उनको भी रेस्ट मिल जाएगा, क्लियर है। मैं रेस्ट तो चाहिए ना भाई, दिन भर थोड़ी पढ़ सकते हैं हम लोग, इसलिए ऐसा ही है, ठीक है। चलो पहले क्वेश्चन नंबर 40 देखो क्या कहना है। द एरर इन मेजरमेंट ऑफ मास एंड रेडियस आर 1% एंड 0.5%। परसेंटेज एरर इन मास कितना है, 1
और परसेंटेज एरर इन रेडियस कितना है 0.5। तो परसेंटेज एरर इन मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मैंने तुम्हें फॉर्मूला बताया था ML स्क्वायर होता है, बोलो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला ML स्क्वायर। तो परसेंटेज एरर इन MOI इज इक्वल टू क्या ये रहेगा, परसेंटेज एरर इन M प्लस 2 टाइम परसेंटेज एरर इन L, बोलो तो ये कितना हो गया 1% प्लस 2 इनटू 0.5, टोटल आंसर कितना आ गया 2%। बोलो क्लियर। बताओ क्लियर है सभी को? बोलो क्लियर, क्वेश्चन नंबर 14 क्लियर है सभी को? चलो 40 हो गया, 41, क्या 41 सभी को आना चाहिए था? यदि मैं दो क्वांटिटी को ऐड करता हूं तो एडिशन में क्या, जिस क्वांटिटी में, बोलो एडिशन में क्या होता है, क्या लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस तक देखते हैं? बोलो एडिशन में क्या हमेशा लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस तक देखा जाता है? तो यदि तुम क्वेश्चन में देखोगे तो क्वेश्चन में तुम्हें ये गिवन है 1.26 और 2.3, 1.26 और 2.3 दोनों को ऐड करने पर क्या आएगा 3.56। बोलो क्लियर, इसमें लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस है इसमें या इसमें? बोलो पहले वाले में या दूसरे वाले में लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस है? सेकंड में कितने हैं, दो। क्या फाइनल आंसर में भी दो ही हो सकते हैं? फाइनल आंसर में भी डेसिमल प्लेस कहां तक हो सकता है, एक तक। आंसर कितना हो जाएगा, 3.6 आंसर हो जाएगा। बोलो क्लियर है? चलो क्वेश्चन नंबर 44 ये मैंने नहीं पढ़ाया था, इसका आंसर सी है। क्वेश्चन नंबर 44 ये मैंने नहीं पढ़ाया है, इसका आंसर सी है। ये टॉपिक रह गया, यही वाला टॉपिक रह गया है। चलो यहां तक नोट कर लिया सभी ने? बोलो क्या यहां तक नोट कर लिया? चलो अब वापस से आता हूं, ठीक है? इन दोनों क्वेश्चन को जो तुम्हारे पेपर के क्वेश्चन है इनको मैं कराऊंगा, लेकिन टॉपिक के साथ में। हाँ जी मुझे पता 39 है, पहले ही कह रहा हूँ इनको मैं कराऊंगा लेकिन टॉपिक के साथ में, अभी वो टॉपिक ही नहीं समझाया है, ठीक है? इसलिए मैं दोनों क्वेश्चन छोड़े हैं, जैसे ही वो टॉपिक हमारा कवर होगा मैं दोनों क्वेश्चन को उसके साथ में कराऊंगा। 42 भी बताना है, 42 भी देखो, 42 भी बताना है, 45 भी बताना है। एक बात बताओ, 45 देख लो फिर 42 बता रहा हूं। प्रेशर कितना है, 50 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये किसमें, एमकेएस में, सीजीएस में, सीजीएस में क्या न्यूटन की जगह होगा टाइम और मीटर की जगह क्या होगा सेंटीमीटर। बोलो क्लियर है? सीजीएस में न्यूटन की जगह क्या होगा डाइन और मीटर की जगह सेंटीमीटर। तो 50 इंटू 10 का पावर 5 डाइन अपॉन 1 मीटर में 10 का पावर 2 सेंटीमीटर यानी 10 का पावर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू n इंटू डाइन अपॉन सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या यहाँ से n का वैल्यू 500 आ रहा है? बताओ हो गया? हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर 48
नंबर 42 भी देखो क्या है भाई, गैस बबल फॉर्म फ्रॉम एन एक्सप्लोजन अंडर वाटर ऑसिलेट विद एन पीरियड प्रोपोर्शनल टू टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई का पावर ए, डी का पावर बी और ई का पावर सी। बोलो क्लियर। पी क्या है? प्रेशर। प्रेशर का डायमेंशन क्या होता है? एम वन एल माइनस वन टी माइनस टू। ई क्या है? एनर्जी। एनर्जी का डायमेंशन एम वन एल टू टी माइनस टू। बोलो क्लियर। एम वन एल टू टी माइनस टू। और डी क्या है? डेंसिटी यानी एम वन एल माइनस थ्री। बोलो एम वन एल माइनस थ्री। बोलो क्लियर है। अब क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं कि जो डायमेंशन ऑफ टी है क्या वो इक्वल होना चाहिए डायमेंशन ऑफ टी का पावर ए के, डायमेंशन ऑफ डी का पावर बी के और डायमेंशन ऑफ ई का पावर सी के। डायमेंशन ऑफ टी का पावर ए कितना? एम का पावर ए एल का पावर ए माइनस ए टी का पावर माइनस टू ए इंटू डायमेंशन ऑफ डेंसिटी एम का पावर बी एल का पावर माइनस थ्री बी और डायमेंशन ऑफ एनर्जी एम का पावर सी एल का पावर टू सी और टाइम का पावर माइनस टू सी। बोलो क्लियर है। ये किसके इक्वल होना चाहिए? टी का पावर वन के। बताओ क्लियर सभी को। अब क्या एम का पावर तुम्हें सभी जगह दिखाई दे रहा है? तो यहाँ से क्या लिखोगे? t का पावर 1 इक्वल टू m का पावर a प्लस b प्लस c, l का पावर माइनस a माइनस 3b प्लस 2c और t का पावर क्या आ रहा है? माइनस 2a माइनस 2c। बोलो क्लियर। अब क्या यहाँ से देखोगे तो क्या a प्लस b प्लस c का वैल्यू 0 आ रहा है? a प्लस b प्लस c का वैल्यू कितना आ रहा है? 0। बोलो क्लियर है। और क्या ऐसे लिख सकता हूँ माइनस थ्री बी माइनस ए प्लस टू सी इक्वल टू जीरो, क्योंकि एल का पावर इधर कितना है? जीरो। और क्या ऐसे ही माइनस टू ए माइनस टू सी इक्वल टू वन आएगा? तो यहाँ से क्या आ गया? ए प्लस सी इक्वल टू माइनस वन बाई टू। ए प्लस सी कितना आ गया? माइनस वन बाई टू। यदि a प्लस सी माइनस वन बाई टू है तो क्या b का वैल्यू वन बाई टू हो गया? बोलो a प्लस सी इक्वल टू माइनस वन बाई टू और a प्लस b प्लस सी क्या है? जीरो। तो क्या a प्लस इसके अगर लिखूंगा b प्लस माइनस वन बाई टू इक्वल टू जीरो तो b इक्वल टू वन बाई टू आ गया। b इक्वल टू क्या आ गया? वन बाई टू। बोलो क्लियर है। और एक इक्वेशन क्या है? माइनस थ्री ए माइनस बी प्लस टू सी इक्वल टू जीरो। एक इक्वेशन क्या है? माइनस थ्री बी सॉरी माइनस थ्री बी है। माइनस थ्री बी माइनस ए प्लस टू सी इक्वल टू जीरो माइनस थ्री बाई टू माइनस ए प्लस टू सी इक्वल टू जीरो यहाँ से आ गया टू सी माइनस ए इक्वल टू थ्री बाई टू और ये आ रहा है ए प्लस सी इक्वल टू माइनस वन बाई टू। दोनों को ऐड करोगे ऐसे गायब यहाँ पर आ गया थ्री सी इक्वल टू वन आ गया वन बाई थ्री। यदि c का वैल्यू 1 by 3 है, a equal to आ गया minus 1 by 3 minus 1 by 2 equal to minus 5 by 6। बोलो क्लियर है? क्या a, b, c तीनों का वैल्यू आ चुका है? बताओ। a का वैल्यू minus 5 by 6 का वैल्यू 1 बाई 3 और बी का वैल्यू 1 बाई 2। बोलो क्लियर है।
जल्दी नोट करो इसे, इसे नोट करो। हाँ, कोई भी हो, स्टेटिक हो चाहे डायनेमिक हो, प्रेशर तो प्रेशर होता है। हाँ, M1 L-1 D-2 लेना है। सेकंड इक्वेशन नहीं समझ में आया, उसने हमें क्या गिवन है कि टाइम पीरियड किस पर डिपेंड कर रहा है, प्रेशर पर, एनर्जी पर और डेंसिटी पर, और उसने हमें रिलेशन उसने गिवन है T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P का पावर A, P का पावर C और D का पावर B। ए प्लस सी इक्वल टू 1/2 कैसे आया, -1/2 आया ना। यहाँ पर देखो -2A -2C, ये टी का पावर है इधर, और ये इधर कितना है 1, क्या ये वैल्यू 1 के इक्वल होनी चाहिए। इधर क्या रखा 1, अब इधर से -2 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या बचा, ए प्लस सी, -2 को डिवाइड में कर दिया तो क्या आ गया -1/2। ठीक है, नोट करो जल्दी, सभी नोट करो। नोट करो सभी, कर लिया। प्रीवियस दिखानी है, एंड स्लाइड दिखानी है। चलो ये नोट करो आप सभी, सभी ये नोट करो। कर लिया नोट सभी ने, चलो तो हो गया। चलो वापस से आ जाए, वापस से हम किस पर आते हैं, डॉट प्रोडक्ट पर। बोलो क्लियर है, वापस से किस पर आ जाओ सभी, डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, चलो सभी वापस से आ जाओ डॉट प्रोडक्ट पर। मैंने तुम्हें इतना बता दिया था कि डॉट प्रोडक्ट को हम स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। बोलो क्लियर है, डॉट प्रोडक्ट को हम और भी क्या बोलते हैं, स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। बोलो क्लियर है, डॉट प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट बोला जाता है। अनिक, ये मैंने नोट्स में लिखाया है, ये मैंने नोट्स में लिखाया है, एक बार नोट्स देखो सही से। स्केलर प्रोडक्ट इसलिए बोला जाता है क्योंकि जो फाइनल अनिखिल 39 बाकी है, वो आज या तो इसी चैप्टर में इसी टॉपिक के साथ वो क्वेश्चन कराना है। ठीक है, थोड़ी देर वेट करो, आ जाएगा वो क्वेश्चन। उसे डॉट प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट इसलिए बोला जाता है क्योंकि जो फाइनल क्वांटिटी है वो हमेशा कैसी रहती है, स्केलर या न्यूमेरिकल आती है। डॉट प्रोडक्ट या फाइनल स्केलर प्रोडक्ट करने पर जो फाइनल आंसर हमारा जनरेट होता है वो हमेशा कैसा रहता है, स्केलर। इसीलिए इसे क्या बोला जाता है, स्केलर प्रोडक्ट। बोलो क्लियर है सभी को,
अब यदि मेरे पास दो वेक्टर हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी, मेरे पास दो वेक्टर हैं, एक तो कौन सा है वेक्टर ए और दूसरा कौन सा है वेक्टर बी, और मुझे दोनों का क्या करना है डॉट प्रोडक्ट, मुझे दोनों का क्या करना है डॉट प्रोडक्ट। तो ध्यान से देखना, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी हमेशा रिप्रेजेंट करता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इनटू कॉस थीटा। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी किसको रिप्रेजेंट करता है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इनटू कॉस थीटा। क्या ही मैं लिखा चुका हूं, बोलो। क्लियर है सभी को? अब इफ वेक्टर ए इज, इफ वेक्टर ए इज ए वन आई कैप प्लस बी वन जे कैप प्लस सी वन के कैप, ऐसे हो सकता है वेक्टर ए वन आई कैप प्लस बी वन जे कैप प्लस सी वन के कैप, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए कितना होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए होगा अंडर रूट ऑफ ए वन स्क्वायर प्लस बी वन स्क्वायर प्लस सी वन स्क्वायर, बोलो क्लियर है। ऐसे ही वेक्टर बी यदि मैं लिखता हूं, ये क्या होगा ए टू आई कैप प्लस बी टू जे कैप प्लस सी टू के कैप, ए टू आई कैप प्लस बी टू जे कैप प्लस सी टू के कैप, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी कितना हो गया अंडर रूट ऑफ ए टू स्क्वायर प्लस बी टू स्क्वायर प्लस सी टू स्क्वायर, बोलो क्लियर। क्लियर है सभी को? बोलो बताओ। अब ध्यान से सुनना, यदि मैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी करता हूँ, यदि मैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी करता हूँ, तो यहां से क्या आएगा ए वन आई कैप प्लस बी वन जे कैप प्लस सी वन के कैप डॉट ए टू आई कैप प्लस बी टू जे कैप प्लस सी टू के कैप, बोलो यही आएगा। अब यदि तुम इसे सॉल्व करोगे, क्या तुम्हारे पास तीन तीन क्वांटिटी का मल्टीपल है, तो यहां पर क्या लिखोगे, क्या यहां पर ऐसे लिखोगे ए वन ए टू आई कैप डॉट आई कैप प्लस ए वन बी टू आई कैप डॉट जे कैप प्लस ए वन सी टू आई कैप डॉट के कैप प्लस बी वन ए टू जे कैप डॉट आई कैप, जे कैप डॉट आई कैप प्लस बी वन बी टू जे कैप डॉट जे कैप प्लस बी वन सी टू जे कैप डॉट के कैप प्लस सी वन ए टू के कैप डॉट आई कैप प्लस सी वन बी टू के कैप डॉट जे कैप प्लस सी वन सी टू के कैप डॉट के कैप, बोलो क्या ऐसे ही मल्टीपल आएंगे सभी नौ के नौ, बताओ। क्लियर है सभी को? अब ध्यान से सुनना, इफ टू यूनिट वेक्टर्स, ये कंडीशन है इसकी, इफ टू यूनिट वेक्टर्स, टू यूनिट वेक्टर्स विच आर इन द सेम डायरेक्शन, विच आर इन द सेम डायरेक्शन, इन द सेम डायरेक्शन, इफ टू यूनिट वेक्टर्स विच आर इन द सेम डायरेक्शन देन देयर डॉट प्रोडक्ट बिकम वन, देन देयर डॉट प्रोडक्ट बिकम वन, डॉट प्रोडक्ट बिकम वन, वन, ये पहला कंडीशन। और एक और कंडीशन, इफ टू यूनिट वेक्टर विच आर इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन, इफ टू यूनिट वेक्टर विच आर इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन, विच आर इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन, परपेंडिकुलर डायरेक्शन,
एक मिनट रुको, देन देयर डॉट प्रोडक्ट बिकम जीरो, देन देयर डॉट प्रोडक्ट बिकम जीरो, डॉट प्रोडक्ट बिकम जीरो। अब तुम ध्यान से देखना, क्या एक्स वाई और जेड यदि मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा हूं, एक्स में यूनिट वेक्टर क्या रहता है, आई कैप, वाई में जे कैप और जेड में के कैप। बोलो क्लियर है? आई कैप, जे कैप और के कैप, क्या आई कैप के कैप और जे कैप के परपेंडिकुलर है? बोलो, आई कैप जो यूनिट वेक्टर है वो परपेंडिकुलर है किसके, जे कैप के और के कैप के। ऐसे ही जे कैप परपेंडिकुलर है किसके, आई कैप के कॉमा के कैप के। बोलो क्लियर? मैं इसको डायरेक्ट लिख देता हूँ, आई कैप इज परपेंडिकुलर टू जे कैप एंड परपेंडिकुलर टू के कैप। बोलो क्लियर? तो आई डॉट जे क्या होगा, क्या जीरो? आई डॉट जे या जे डॉट आई क्या होगा, जीरो। आई डॉट के या के डॉट आई क्या होगा, जीरो। बोलो क्लियर? और जे डॉट के या के डॉट जे क्या होगा, जीरो। बोलो क्लियर है? क्योंकि परपेंडिकुलर है ना, और मैंने कंडीशन लिखा है यदि दो यूनिट वेक्टर जो एक दूसरे के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर, देयर डॉट प्रोडक्ट बिकम जीरो, ये कंडीशन है। आई और जे क्या है, परपेंडिकुलर, तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या बनेगा, जीरो। जे और आई क्या है, परपेंडिकुलर, तो उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो। ऐसे ही आई और के भी क्या है, परपेंडिकुलर, तो उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो। ऐसे ही आई और जे और के भी क्या है, परपेंडिकुलर, तो उनका भी डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, जीरो। बोलो क्लियर है? बताओ सभी को क्लियर है बात? बोलो। चलो अब लिखना स्टार्ट करो सभी, अब सभी लिखना स्टार्ट करो। देयर आर टू वेक्टर्स, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, देयर आर टू वेक्टर्स, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। प्रीवियस स्लाइड पे ही तो है जहां से डॉट प्रोडक्ट स्टार्ट किया। देयर आर टू वेक्टर्स, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, देयर आर टू वेक्टर्स, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। सो वी कैन राइट दैट वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, वी कैन राइट दैट वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इनटू कॉस थीटा। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इनटू कॉस थीटा। हियर थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, हियर थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, हियर थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। कर लिया? बोलो। अब यहां से लिखना स्टार्ट करो, इफ वेक्टर ए इज इक्वल टू दिस, इफ वेक्टर ए इज इक्वल टू ए वन आई कैप प्लस बी वन जे कैप प्लस सी वन के कैप, इफ वेक्टर ए इज इक्वल टू ए वन आई कैप प्लस बी वन जे कैप प्लस सी वन के कैप, देन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज, देन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज ए वन स्क्वायर प्लस बी वन स्क्वायर प्लस सी वन स्क्वायर। ठीक है, ये पूरा नोट करो, आप जो पेज पर लिखा हुआ है वो कंप्लीट नोट करो, जो इस पेज पर लिखा हुआ है वो कंप्लीट नोट करो। दोबारा से नोट करो एक और बार, दोबारा से नोट करो। एक मिनट रुकना सभी, ये नोट तो कर लिया था,
क्या हुआ, ये नोट करना है ना, नोट तो डॉट प्रोडक्ट करना है। क्या हुआ ये बताओ, कहाँ पे डाउट है, कहाँ नोट नहीं किया है, मुझे कुछ क्लियर ही नहीं हो रहा है। ये स्लाइड नोट कर ली सभी ने? क्या सभी ने ये स्लाइड नोट कर ली है? नोट करो जल्दी। नोट करो सभी। हो गया सब? अब ये देखो सभी, एक मिनट रुकना, जल्दी नोट करो। जल्दी नोट करो। हो गया? हो गया? नोट कर लिया? चलो सभी अब नोट करो, जो मैंने लिखा है वो नोट करना। इफ टू यूनिट वेक्टर विच आर इन द सेम डायरेक्शन then their dot product become zero. नोट करो सभी। इफ टू यूनिट वेक्टर विच आर इन द सेम डायरेक्शन देन देयर डॉट प्रोडक्ट बिकम वन। इफ टू यूनिट वेक्टर विच आर इन द सेम डायरेक्शन देन देयर डॉट प्रोडक्ट बिकम वन। ठीक है?
नोट कर लिया सभी ने? लिया होगा, एक एक करो जल्दी। गया सभी का? तो तुम्हें ये चीज तो समझ में आ गई कि डॉट प्रोडक्ट में आईजे जेके और आईके इन तीनों का डॉट प्रोडक्ट हमेशा क्या रहेगा? जीरो। और क्या साथ में ये बात भी समझ में आई होगी कि आई कैप डॉट आई कैप को क्या मैं वन लिख सकता हूँ? बोलो, आई कैप और आई कैप क्या एक्स डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं, इनको क्या लिख सकता हूँ? वन। ऐसे ही जे कैप डॉट जे कैप क्या ये वाई डायरेक्शन में दोनों यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए इनको भी क्या लिख सकता हूँ? वन। और ऐसे ही के कैप डॉट के कैप क्या ये जेड डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं, तो इनको क्या लिख दिया? वन। बोलो क्लियर है? तो क्या वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अब आ गया? ध्यान से देखना, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अब क्या आएगा वो ध्यान से देखना। क्या ये आ गया ए वन ए टू इंटू वन, ए वन इंटू इंटू वन प्लस ए वन बी टू इंटू जीरो प्लस ए वन सी टू इंटू जीरो प्लस बी वन ए टू इंटू जीरो प्लस बी वन बी टू इंटू वन प्लस बी वन सी टू इंटू जीरो प्लस C1 A2 into 0 plus C1 B2 into 0 और लास्ट में क्या आएगा C1 C2 into 1। बोलो क्लियर है? क्या ये सारी क्वांटिटी तो 0 बन गई? हमारा आंसर क्या आया? A1 A2 plus B1 B2 plus C1 C2। बोलो क्लियर है? plus C1 C2 बताओ क्लियर? यदि ये बात क्लियर है तो क्या मैं अब ऐसे भी लिख सकता हूं कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू प्लस सी वन सी टू इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए वन स्क्वायर प्लस बी वन स्क्वायर प्लस सी वन स्क्वायर, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी अंडर रूट ऑफ ए टू स्क्वायर प्लस बी टू स्क्वायर प्लस सी टू स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। बोलो लिख सकता हूं? तो क्या यह आ जाएगा
cos theta is equal to, ये क्या आ जाएगा, cos theta is equal to a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2, बोलो क्लियर है। अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ सॉरी अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर इनटू अंडर रूट ऑफ a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर, बोलो क्लियर, बोलो क्लियर सभी को। चलो इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री देन cos थीटा इज इक्वल टू 0 व्हिच मींस वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी सो a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 इज इक्वल टू 0। हाँ नोट करना आराम से, एक मिनट रुक जाओ, पॉइंट लिख लो। चलो अब नोट करो सभी सभी अब नोट करो। हाँ यही तो है, यहां तक तो सभी ने नोट कर लिया था ना, यहां तक तो सभी ने नोट कर लिया था। फिर यहां से नोट करना है ना सभी को, यहां से नोट करो। नोट करो सभी, कर लिया नोट सभी। चलो अभी सही है, नोट हो गया सभी का। चलो नोट करो, नोट करो आप। फर्स्ट स्लाइड बॉस कैसे आया, वहां पे कॉस कैसे आया, मैंने अभी फॉर्मूला लिखा था ना मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए
इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर भी इनटू कॉस थीटा, लिखा था ना वो फॉर्मूला, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इनटू कॉस थीटा। कर लिया नोट सभी ने? मुझे जल्दी नोट करो। चलो क्वेश्चन करते हैं, ठीक है? क्वेश्चन लिखो सभी। वेक्टर ए इज इक्वल टू टू आई कैप प्लस थ्री जे कैप प्लस फोर के कैप एंड वेक्टर बी इज इक्वल टू थ्री आई कैप प्लस फाइव जे कैप प्लस सिक्स के कैप, देन फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। चलो सिंपल क्वेश्चन, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी करो फाइंड आउट सभी, सभी फाइंड आउट करो। करो सभी, आंसर बताओ इस क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का सभी आंसर बताओ। अभी इसका आंसर बताओ। और किसी का कोई आंसर?
बताओ सभी। अंडर रूट 70 68 अंडर रूट 70 चेक कर लो तुम्हें साहब। जिसको स्क्वायर करना नहीं आता उसका मैं कुछ नहीं करूंगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर करना है। चलो देखो सभी, क्या वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी करना सभी को आता है? आई कैप को आई कैप से यानी 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 5 प्लस 4 इंटू 6 यही होगा। तो ये कितना हो गया 6 प्लस 24 प्लस 15 यानी ओवरऑल कितना 45। ए डॉट बी कितना आ गया 45। ध्यान से देखो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए कितना आ रहा है अंडर रूट ऑफ ए वन स्क्वायर प्लस बी वन स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर यानी कितना बोलो अंडर रूट ऑफ 4 प्लस 25 यानी 29। मैग्नीट्यूड ऑफ बी कितना आ रहा है अंडर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर 9 5 का स्क्वायर 25 और 6 का स्क्वायर 36 ये कितना आ रहा है अंडर रूट 70। बोलो क्लियर है? और क्या तुमने फार्मूला पढ़ा है cos theta is equal to a dot b upon magnitude of a magnitude of b यानी कितना 45 upon अंडर रूट 29 अंडर रूट 70। बोलो क्लियर है? बोलो क्लियर? नोट करो सभी। यही होगा थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स दिस थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 45 अपॉन अंडर रूट 29 अंडर रूट 70। इसी फॉर्म में आंसर गिवन होता है। इसी फॉर्म में हमेशा आंसर क्या होता है गिवन होता है। क्लियर है? इसी फॉर्म में आंसर गिवन होता है हमेशा। इसी फॉर्म में आंसर गिवन होता है, हमें यह जरूरत नहीं होती है फाइंड आउट करने की। ठीक है? इसके आगे देखो जरूरत नहीं होता है वैसे तो। यदि लिखना है तो ऐसे लिख सकते हैं थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 45 अपॉन अंडर रूट 29 अंडर रूट 70। अब फिर तुम और सॉल्व करना चाहते हो तो अंडर रूट 29 का वैल्यू निकाल लो, अंडर रूट 70 का वैल्यू निकाल लो और डिवाइड कर लो। यदि ऐसा करना चाहते हो ऐसा कर सकते हो। ठीक है? चलो क्वेश्चन लिखो।
एक वेक्टर है, नहीं और सॉल्व नहीं करना पड़ता, आगे सॉल्व नहीं करना पड़ता, वो वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, वो वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, टू ईच अदर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ पी, देन फाइंड वैल्यू ऑफ पी, चलो आंसर बताओ, वैल्यू ऑफ पी, वेक्टर v इज इक्वल टू 6i कैप माइनस पी जे कैप प्लस 5k कैप, वेक्टर v इज इक्वल टू 6i कैप माइनस पी जे कैप प्लस 5k कैप, 6i कैप माइनस पी जे कैप माइनस 12, फिर भी एक बार चेक करो सभी का आंसर 8 आ, हमारा 12 आ रहा है, पर कोई डिफरेंस है क्या? देखो तो यदि दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं तो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 क्या होना चाहिए? जीरो, क्लियर है? तो a1 a2 कितना? 2 into 6, b1 b2 कितना? 1 into minus p, c1 c2 कितना? minus 4 into 5 इज इक्वल टू जीरो, तो यहां से क्या आ गया? 12 minus p minus 20 इज इक्वल टू जीरो, तो p इज इक्वल टू क्या आ गया? 12 माइनस 20 इज इक्वल टू माइनस 8, बोलो क्लियर है सभी को? बताओ क्लियर? चलो ठीक है, अब इसके आगे का कल की क्लास में स्टार्ट करेंगे, इसके आगे का कल की क्लास में स्टार्ट करेंगे कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, जो क्वेश्चन हमारा रह गया वो कल की क्लास में कंप्लीट होगा, ठीक है? नंबर चलो बताता हूँ, नंबर थोड़े भेजता हूँ ग्रुप में, ठीक है? होमवर्क मैं ग्रुप में सेंड करता हूँ, चलो।